हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, शेयर बाजार लाइव में सभी का स्वागत है। कल सबसे पहले ट्रिगर हुआ स्टॉप लॉस, उसके बाद ट्रिगर हुए कुछ अहम लेवल, और जाते जाते अगर आप देखें बाजार का जो एग्जैक्टली एक कॉन्फिडेंस था कि भाई आज तो 8,000 तोड़ देंगे, वो पूरा नहीं हो पाया। कैप लेट्स होप द बेस्ट कि मई में हो जाए, लेकिन मई और मंदी इसका जो है ना वो इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा असर होगा। क्यों आखिर मई में मंदी आती है, क्यों लोग मई के शुरू में बेच कर छुट्टी पर चले जाते हैं, आज इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये भी तय करेंगे कि एग्जैक्टली अर्निंग सीजन जो चल रहा है उसमें कौन कौन से अच्छे नतीजे हैं, आज कौन से अच्छे नतीजे आने हैं, और आईसीआईसीआई बैंक इस लिहाज से सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। आई थिंक एक्सिस बैंक की बात स्पेशली आप देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं मई की सीरीज के इस पहले सेशन की एसजीएक्स50 के स्तरों के साथ। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें लगभग अभी 41 अंक नीचे करीब 7,868 के स्तर पर है। देखिए कल हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, फ्रेंकली स्पीकिंग हमने कल भी सुबह अगर आप देखें तय कर लिया था कि स्टॉप लॉस के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं, ज्यादा वैल्यू सरेंडर नहीं करेंगे। 7940 का स्टॉप लॉस था, वो शुरुआत में ही ट्रिगर हो गया था। तो हमारी आज की रणनीति क्या होगी? देखिए आज की रणनीति हमारी ये है कि कल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद कल जो ग्लोबल सेल ऑफ था, एक्सपायरी का प्रेशर था, मैं थोड़ा वेट करूंगा। थोड़ा सा अगर आप देखें एग्जैक्टली लेवल्स को देखूंगा, 7800 का बेस अब शिफ्ट होकर याद रखिए 7700 की तरफ चला गया है। क्यों? क्योंकि मई के जो पुट राइटर्स थे वो 7800 से खिसक के कल चले गए 7700 के पास। तो मैं नई रणनीति क्या बनाऊंगा, कहां लॉन्ग करूंगा, उससे बात करूंगा। सबसे अच्छा जोन होगा अगर खरीदारी करने के लिए वो है 7800 और 7780, ये एक ऐसा जोन है जहां पे मैं खरीदारी करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन क्यों विस्तार से बताऊंगा थोड़े से ठीक है। तो तब तक स्टॉक्स बता देते हैं आपको कि कौन से वो शेयर्स होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे शेयर बाजार लाइव में, यानी अगले एक घंटे में। मैंने चुना है आइडिया सेलुलर को, जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कल रियल्टी स्टॉक्स लाइमलाइट में थे, इसलिए डीएलएफ इंडियाबुल्स रियल एस्टेट को पिक किया गया। जुबिलेंट फूड्स कल एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग थी और लीड कर रहा था जुबिलेंट फूड्स, जहां पर 11% का फॉल दिखा। साथ बात करेंगे मेटल्स की, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद चिया भी तेजी थमती हुई दिख रही है, हिंडाल्को को चुना गया। सीएट वीक अर्निंग्स के बावजूद भी शॉर्ट कवरिंग के सहारे कल स्टॉक 4.5% चला, इस पर भी कमेंट लेंगे। मैरिको क्या जो अर्निंग्स आने हैं, ऑटो में कल प्रॉफिट बुकिंग थी, मारुति सुजुकी करीब 3% कमजोर साथ क्लोज हुआ, अंतराज इंडस्ट्रीज यहां पर 3.5% का उछाल दिखा। तो ये कुछ मेरे शेयर्स हैं जिनको चुना गया है चर्चा के लिए। वीरेंद्र के पास भी 10 स्टॉक्स हैं, वो देख लेते हैं। जी हां, देखिए आज जिन स्टॉक्स में चर्चा करूं उसमें इंडसइंड बैंक है, कल बैकफुट पे आया। क्यों आया बात करेंगे, यस बैंक कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर, और ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक को बाजार की कोई चिंता ही नहीं है। बाकी प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें एनपीए एसेट क्वालिटी की चिंताओं में बह जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई चिंता नहीं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, रुचिरा पेपर में कल काफी जीती थी, ल्यूमैक्स ऑटो इन पे बात करेंगे, शानदार मूव 17% ऊपर रहा। उसके बाद एक रिको ऑटो, ऑटो एंड सर्विस स्पेस में काफी डिसेंट मूव देखे। क्या जुबिलेंट फूड्स अगर आप देखें किस तरीके से कल टूट रहे थे, तहजीब से सुबह सुबह ब्लॉक डील हुई, उसके बाद टूटना शुरू हो गया। जस्ट डायल, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और साथ ही साथ मेरिको, इनफैक्ट मेरिको मैंने भी शामिल किया है। मैं बात करना चाहूंगा स्टॉक आज इसके नतीजे भी आने हैं अपने ट्रेडिंग करियर के हाइज के बेहद नजदीक, और शायद इस महीने इसने अपना हाई लगाया भी था। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक ही बातचीत करेंगे। रजत के पास चलते हैं न्यूज रूम, क्योंकि कल कहीं ना कहीं हमने देखा था इंडियन मार्केट्स में एक्सपायरी का तो प्रेशर था ही, साथ ही साथ जो इंडिकेशंस इंटरनेशनल मार्केट से मिल रही थी उन्होंने भी मूड काफी स्पॉइल किया, इसीलिए रजत के पास चलते हैं। रजत बताइए आज के लिए क्यूज क्या है यूएस से, और सभी एशियाई बाजारों का भी क्या हाल है? बिल्कुल, यूएसए वीक हैंडओवर मिल रहा है, एशियन मार्केट सॉफ्ट हैं, जापानीज मार्केट बंद रहेंगे आज 3 तारीख को, 4 तारीख और 5 तारीख को। तो कहीं ना कहीं वो जो बैंक ऑफ जापान पॉलिसी बैठक का नतीजा था वो जापानीज मार्केट पर असर नहीं डालेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले देखिए आप, सभी मार्केट्स नेगेटिव आज कामकाज कर रहे हैं, और ऊपर से यहां पर जो डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई है वो 210 पॉइंट्स गिर कर हुई है। साफ तौर पे जो सेंट्रल बैंक्स का डिसीजन है इसमें मार्केट्स उसको नर्वस करते हुए नजर आए, और जो बिकवाली है वो टेक्नोलॉजी शेयर्स, एनर्जी, मटेरियल इन स्टॉक्स पे ज्यादा देखने को मिले यूएस मार्केट्स पे। एप्पल एक दिन पहले 6% टूटा था, कल 3% टूट गया, नतीजे बहुत निराशाजनक हैं, लेकिन फेसबुक के नतीजे बहुत बेहतर आए, 7% के आसपास की तेजी कल फेसबुक ने क्लोजिंग बेसिस पे दर्ज किया है। ऊपर से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे Q1 GDP फिगर्स 0.5% का आंकड़ा आया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.7% आएगा, वो थोड़ा कमजोर पड़ा, कंज्यूमर स्पेंडिंग में वीकनेस थी, तो डेटा पॉइंट्स वीक थे जो अमेरिकन मार्केट पर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन मेटल स्टॉक चले यूरोपियन मार्केट पे, एंग्लो अमेरिकन जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, और टलॉयल जैसे शेयर्स यानी ऑयल एंड गैस में तेजी थी। पर अगर आप क्यूज लेंगे आज एशियन मार्केट से, ट्रेडिंग जो हो रही है वो नेगेटिव बायस के साथ ज्यादा हो रही है, जैसे निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि 200 DMA अटेम्प्ट करें आज के सत्र में। शुक्रिया रजत आपका। तो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से आज अच्छे नहीं है, फिर चाहे वो यूएस मार्केट्स में या फिर सभी एशिया बाजार की शुरुआत हो, दबाव के साथ ही कामकाज हो रहा है। एसजेएक्स निफ्टी ऑलरेडी आधा परसेंट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। प्रदीप सुरेखा हमारे साथ मौजूद है, उनका एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, और साथ साथ समीर भौमिक भी हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, निफ्टी पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 8,000 के लेवल को टेस्ट करने की काफी नजदीक निफ्टी पहुंचा जरूर बीती सीरीज में, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाया,
इस सीरीज के लिए आपका आउटलुक क्या रहेगा इंडेक्स पर और क्या रणनीति आज के लिए आप रेकमेंड करेंगे ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग मिताली, देखिए ये जो 7,980 और 8,000 का जो रेसिस्टेंस था, ये एक बार के लिए लग ही रहा था कि बहुत मेजर रेसिस्टेंस होगा और कोई एक कारण चाहिए था, या तो बाजार को इसके ऊपर जाने के लिए और या वहां से वापस स्लिप करने के लिए, और वो कारण कल बन गया जापान से। मेरे हिसाब से मेरे को ये समझ में आता है कि कल जो जापान का आउटकम आया है उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं था, स्टेटस को जिसको बोलते हैं यथास्थिति बनी रह गई, उसके ऊपर में लगता बाजार ने कुछ ज्यादा रिएक्शन दे दिया, इसका ये कारण है कि हम इतना बड़ा फॉल बाजार में देख रहे हैं। अब आज अगर आप देखोगे मिताली, हम लोग जब मंगलवार को आपके यहाँ शो कर रहा था तभी भी मैंने ये कहा था कि 7,825 और 7,810 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन रहेगा जहां से निफ्टी बाउंस कर सकती है, और मैंने उठते उठते वीरेंद्र जी को कहा था कि मैं अभी निफ्टी लेकर के उठाऊं जहां से निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर गई थी। आज भी वहां से बाउंस करेंगे कि नहीं, इसमें एक शंका जरूर बन गई क्योंकि सेंटीमेंट बहुत खराब है। अगर हम इस सपोर्ट जोन को नहीं होल्ड कर सकते हैं तो एक बार जो मेजर सपोर्ट जहां से हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, वो 200 दिन का डेमा कहीं भी आ जाएगा 7,770 के आसपास। तो लगता है कि अब हम अगर 7,810 को नहीं होल्ड करते हैं तो हमको 7,770 देखना पड़ेगा। जहां तक आपका सवाल है पूरी सीरीज का, तो अगर आप पूरी सीरीज में रोल ओवर देखो तो ये रोल ओवर जो आया है वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 82 और 77 पे है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज इसके बीच में रहती है और इसके आसपास में जाने से बाजार में क्या बिहेव करता है, लेकिन 8,000 एक बार के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है। जी सिमी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी नई सीरीज, मई का महीना, आपका निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, मेरा भी आउटलुक करीब प्रदीप जी से सेम ही है। मैं भी ये मानती हूँ निफ्टी एक क्रूशियल जगह से रिवर्सल दिखाया है, ऊपर का लेवल से नीचे आ गया है, और आज के लिए जो मेजर जो अहम लेवल है वो 7820 7810 के बीच में ही है, इनफैक्ट 7820 7830 इस रेंज के बीच में है। यही निफ्टी का आज का क्रिटिकल लेवल होगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड नहीं किया तो वापस 7780 7770 के आसपास निफ्टी को नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। पर अगर किसी भी हाल से निफ्टी उस रेंज को तोड़ा, क्योंकि 77, 70, 78, 80 लास्ट एक महीने का सपोर्ट है और निफ्टी को इस रेंज को होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर इस रेंज को होल्ड नहीं किया तो फ्रेश पैनिक का सेलिंग चालू हो जाएगा। पर वीरेंद्र, अगर निफ्टी ये दोनों जो लेवल मैंने बताया, एक तो 7820 और एक 7770, ये दोनों लेवल अगर होल्ड किया तो हो सकता है निफ्टी वापस वहां से रिवर्सल देगा और तब ये जाके करेक्टिव स्विंग लगेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एक करेक्टिव स्विंग ये था। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा, पर 7770 को सपोर्ट लेना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो निफ्टी में फ्रेश वीकनेस चालू हो सकता है। अगर ऐसा होता है, निफ्टी उस रेंज को अगर होल्ड करता है तो लॉन्ग जाके देख सकेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी फ्लैटिश खुल गया और 7730-20 के आसपास भी सपोर्ट लिया तो भी ये कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग लेंगे जिसका स्टॉप लॉस 7770 का होगा, और टारगेट मुझे लगता है कि 7950-7920 का आ सकता है मंडे तक जी। अगर वो लेवल होल्ड होता है तो 7770 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच कल की देखें अगर कैश मार्केट की, तो एफआईस का जो रुझान है वो पॉजिटिव ही रहा है, मामूली, लेकिन उन्होंने खरीदारी की है कैश मार्केट में। डीआईएस ने उसके उलट मुनाफा वसूली कल के सत्र में की है। लेकिन वीरेंद्र, अगर डेरिवेटिव डेटा को देखें तो दो तीन चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि अभी भी हम 200 डेमा के ऊपर बने हुए हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये कि जिस तरह का हमने पेस जो देखा बिल्डअप होते हुए अप्रैल सीरीज के दौरान, वो कल भले ही थोड़ा सा हमने मुनाफा वसूली जरूर देखी हो, लेकिन एग्जैक्टली अगर डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करें तो इंडिकेशन मिल क्या रहा है, ये पेस यहाँ आके थम सकता है या फिर 8,000 जिसको हम अचीव नहीं कर पाए उसको वापस गेन करने की, उसके बियॉन्ड जाने की भी कोशिश मार्केट में सीरीज में कर सकते हैं? देखिए दीपाली, कल आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे कि स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे, क्यों रखेंगे? देखिए अभी रेंज गेम चल रहा है, न्यूज फ्लो पे गेम चलता है, मार्केट चल जाता है न्यूज आती है, मार्केट गिर जाता है न्यूज आती है। तो पहली चीज तो याद रखिए, सपोर्ट के बेहद नजदीक लीजिए और रेजिस्टेंस के तुरंत नजदीक भेजने की कोशिश करिए, और स्टॉप लॉसेस जो है रेजिस्टेंस के पास बहुत बड़े मत रखिए। जैसे हमने कल क्या लिया था, 7930 7940 शुरू में ट्रिगर हो गया, हम कंफर्टेबल होकर बाहर बैठ गए, हमने बहुत रिस्क नहीं लिया। आज क्या देखिए, पहले एफआईएस ने क्या किया, देखिए एफआईएस ने कल करीब 120 करोड़ की खरीदारी करी कैश मार्केट में।
उनकी तरफ से कल दीपाली, ये अमूमन होता है सीरीज के अंतिम दिन लिक्विडेशन काफी उनकी तरफ से आता है। आप देखिए 1525 करोड़ की बिकवाली हुई, ये बहुत सीरीज से नहीं हो रहा था, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन कल हुआ, वो एक्चुअली हुआ और 416 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली थी डीआईएस की तरफ से। अब आप जरा एफआईएस की ट्रेडिंग पैटर्न को देखिए, वायदा कारोबार में 102 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स खरीदा लोअर लेवल्स पे, जैसे कि आप देखिए इंडेक्स आया, थोड़ी बहुत पोजीशंस उन्होंने अपनी स्क्वायर ऑफ की। इंडेक्स ऑप्शंस में 404 करोड़ की बिकवाली और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से 1351 करोड़ की बिकवाली दीपाली। ये काफी हद तक लॉन्ग अनवाइंडिंग थी उनकी तरफ से, जो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने एक्यूमुलेट किए थे उनको उन्होंने बेचा है। देखिए अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा दीपाली, कल जब हम बात कर रहे थे, जब मैं मई की सीरीज के बारे में बात कर रहा था, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई था 7800 की पुट में, लेकिन कल अगर आप देखिए तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जो था वो पहुंच गया है अब 7700 की पुट में। दीपक प्लीज जरा एक बार ऑप्शन 36 पर जाइए, 7700 की आउटस्टैंडिंग का जो पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई है वो करीब करीब अगर आप देखें 38 लाख हो गया है, और 8200 की कॉल का कितना है 32 लाख। आपको याद होगा कि कल मैं बात कर रहा था कि 7800 पे सबसे ज्यादा पुट के ओपन इंटरेस्ट है, यानी दीपाली कल के डैमेज के बाद वो बेस शिफ्ट होकर कहां आ गया 77 रेंज एस्टेब्लिश बाजार ने अपनी एक ही सेशन के अंदर। यानी ये जो दो आंकड़े स्क्रीन पर है ये प्रोबेबल रेंज, ये मोटी रेंज रहेगी। अब देखिए मैं क्या करूं, अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे 77-70 की, सिमी ने बात करी 77-70, क्या है ये है 200 डेमा। तो बतौर एक अपॉर्चुनिटिस्ट के, यानी अगर मैं मौका देख के कुछ खरीदारी करनी है तो याद रखिए बाजार अगर आज भी रिट्रेस हुआ और नीचे आया 78 पर आया, 78-20 होल्ड करना चाहिए जैसे सिमी कह रही थी, आपको खरीदारी करनी है ना तो आपके स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है दिवाली। 7700 में कितना है सबसे ज्यादा ओआई, 7770 क्या है आपका 200 डेमा, तो इसके बीच आसपास कहीं अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लीजिए 7750, वो एक सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। और आपको बाइंग करनी है, देखिए हर मिनट तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपका जो बाइंग क्लस्टर होगा दीपाली वो यही होगा 7830, 7840, 7800 आसपास। और अगर इस सीरीज के लिए आप एक व्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास 200 डेमा भी है, आपके पास 7700 का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाई भी है, तो अपना स्टॉप लॉस यही कहीं 7750, 7760 और 7755 के आसपास रखिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर 200 डेमा टूटेगा, फिर आपका वहां क्या होगा, वहां निफ्टी बैंक आपका 16300 ब्रीच कर चुका होगा, 16200 ब्रीच कर चुका होगा, तो आपका बाइंग जोन रहेगा याद रखिए यही पर ही। अगर आप एक तिजड़िए हैं तो 7800 के आसपास, 7820 के आसपास, 7830 के आसपास। और अगेन मैं कहूंगा जब जब प्रॉफिट्स में आ जाए 100-150 पॉइंट के, आप अपने स्टॉप लॉसेस को तुरंत पास ले आइए, ज्यादा वैल्यू एट रिस्क मत रखिए। इस सीरीज का मोटा मोटी रेंज आपकी स्क्रीन पर है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल वीरेन, चलिए ये तो आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, लेकिन इन स्टैटिस्टिक्स के अलावा भी अगर फैक्ट्स देखें तो 8200 को अप्रोच करने की या फिर ऊपरी रेंज पर जाने की मार्केट्स इसलिए भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अर्निंग्स देखेंगे जहां पर डाउनग्रेड्स की काफी आशंका थी, अब तक की अर्निंग सीजन फिर भी ठीक ठाक रहा है, तो हो सकता है सपोर्ट मिलता रहे अर्निंग सीजन से भी। और बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका, देखिए दीपाली कल क्या हुआ था, कल जब बात कर रहे थे 7800-8200, मैंने क्या कहा था कि हम 8000 के ऊपर कितनी तहजीब से एस्टेब्लिश होते हैं ये तय करेगा कि हम 8200 पे जाएंगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल कितनी तहजीब से, कल बिल्कुल भी अगर आप देखें वो तहजीब नहीं थी बाजार में, हम 8000 से घबरा रहे थे और कल ग्लोबल सेंटीमेंट भी थोड़े से वीक हो गए। तो ये डिपेंड करता है कि हम मई के मिड में, मई के लास्ट में, मई के शुरुआत में 8000 को कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे ही 8000 पार होगा 7900 पे पुट राइटिंग शुरू हो जाएगी, 8000 पे पुट राइटिंग शुरू हो जाएगी, 8100-8200 का कॉल राइटर बैकफुट पे जाएगा, वो माहौल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग वो माहौल नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। एक बार एसजी सिफ्टी को देखते हैं क्या कर रहा है इस वक्त। एसजी सिफ्टी आपके स्क्रीन पर लगभग 34 अंक नीचे 7875 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। हमारे साथ दो मेहमान हैं इस वक्त पैनल में, प्रदीप सुरेखा टेक्निकल्स पे और सेवी भौमिक हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है जिन्होंने स्ट्रीट पर दस्तक दिया उसमें अगर आप देखें अंबुजा सीमेंट्स एक महत्वपूर्ण नतीजा था। आई थिंक देखिए नतीजे जैसे भी रहे हों सबसे बड़ी क्लिक करने वाला फैक्टर क्या था दीपाली, आई मीन हम रोज बात कर रहे हैं दीपाली कि कैसे रहेगा सीमेंट में नंबर्स कैसे रहेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर अच्छे थे। अंबुजा सीमेंट्स में नतीजे देखिए आप देखेंगे, टॉप लाइन देखेंगे आप, एबिटा देखेंगे आप, मार्जिन्स देखेंगे। मैं आई थिंक दीपाली सिर्फ इस नतीजे में एक चीज़ देख रहा था, आई थिंक जो मेरे पास म्यूचुअल फंड्स मैनेजर की जो कमेंट्री आती है वो सबसे बड़ी चीज़ जो स्ट्राइक करने वाली थी ना अगर इस नतीजे में है वो क्या है, वो है वॉल्यूम्स। 9.5-9.75% के वॉल्यूम्स इसने जनरेट करे आज की तारीख में। देखिए हम लोग अर्निंग विजिबिलिटी की बात करते हैं, FY17 का 1 क्या करेगा, 2 क्या करेगा, 3 क्या करेगा, 4 क्या करेगा, इस वक्त मुझे चाहिए वॉल्यूम्स। डिमांड अच्छी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, प्राइसिंग स्ट्रांग हो रही है, मेरे लिए लॉन्ग जाने के लिए यही काफी है। और इनफैक्ट अल्ट्राटेक ACC जो प्रीवियस दो अर्निंग्स है उसमें भी आप देखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन रही है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर वो एक पॉजिटिव सेंस ही दे रही है, और वॉल्यूम ही स्ट्रीट चाहता है इस वक्त। प्रदीप आपकी राय क्या होगी सीमेंट स्टॉक्स पे इस वक्त?
देखिए सही बात है वीरेंद्र, आप देखो कि वॉल्यूम केवल आप गुजरात अंबुजा का ही नहीं, कल आप देखो एसीसी का भी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा आया, तो ये कहीं भी लग रहा है कि डिमांड जरूर पिकअप होगी। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ रहने से जरूर इनके देखिए बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों पे फर्क पड़ेगा। और ऐसे भी आप देखोगे तो पिछले एक महीने से डेढ़ महीने से सीमेंट के सारे ही, चाहे वो छोटे मिड कैप थे या ये बड़े भी लार्ज कैप थे, ये सब में एक अच्छा हम लोग को रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। मेरे को लगता है रिजल्ट के बाद हल्का फुल्का करेक्शन जो न्यूज के बाद में होता है, मार्केट रिएक्ट करता है, वो एक रिएक्शन जरूर देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ऊपर से 100 रुपया अल्ट्राटेक सीमेंट करेक्ट हो गया, तो ये मात्र करेक्शन होगा। अगर आप सीमेंट में पूरा एक नजरिया साल भर का लेते हो तो ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये तो अभी आपको इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा दिखेगा। मानसून का थोड़ा सा असर आएगा तो वो सितंबर क्वार्टर में दिखेगा। तो मेरे को लगता है इस बेसिस पे अगर हम जून क्वार्टर का व्यू भी बनाए तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा, और यहाँ पे और अच्छी अपसाइड बाजार के साथ साथ आप इसको इस सेक्टर में भी देखने के लिए मिलेगी जी। आइडिया सेलर के भी नतीजे मार्केट क्लोजिंग के बाद आए, हालांकि जो नंबर्स रहे रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्रंट्स पर वो प्रोजेक्शन से बेटर रहे। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हैं वो 12.5% बढ़े वायवा बेसिस पर अगर कंपेयर करें। अनुमान था जो प्रॉफिट है वो 46% के आसपास का डिप दिखा सकते हैं, लेकिन उससे कम कमजोरी प्रॉफिटेबिलिटी में आइडिया सेलर के देखी गई है। लेकिन वहीं अगर आप रियलाइजेशन देखेंगे तो वो इम्प्रूव हुए हैं, डेटा और वॉइस रियलाइजेशन दोनों जो है वो 2.9 से 4.4% के रेंज में इम्प्रोवाइजेशन दिखाए। लेकिन एक कंसर्न जरूर आया, वो रहा है वॉल्यूम ग्रोथ का। बीते क्वार्टर में हमने देखा था 17-18% की, इनफैक्ट बीते 4-5 से मेंटेन की थी 17-18% की वॉल्यूम ग्रोथ, जो कि इस बार महज 9% रही है। और एक फैक्ट ये भी है कि जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वो चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद जो डेटा सेगमेंट में कंपटीशन है वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा। कंपनी के 6,500 से 7,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उससे भी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी हायर साइड पर रहेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के लिहाज से। लेकिन प्राइमा फेसी जो अर्निंग्स आई हैं इस क्वार्टर के प्रिसाइसली, वो प्रोजेक्शन से बेटर रही हैं। और टेलीकॉम स्टॉक्स में हमने बीते कुछ सेशंस में अच्छा मूव देखा भी है, फिर चाहे वो भारतीय एयरटेल हो या फिर आइडिया सेलुलर हो। लेकिन एक टेक्निकल कमेंट यहां पर ले लेते हैं पहले सिमी का। सिमी, आइडिया और भारती दोनों में अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अर्निंग्स का तो एक ट्रिगर है ही, साथ ही साथ हमने बीते कुछ सेशन से कंसिस्टेंट मूव भी इस पूरी पॉकेट में देखा। भारतीय एयरटेल अगर आप देखें कल भी तो हायर लेवल से फ्लैट जरूर हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं था। तो क्या ये तेजी अब यहां थम सकती है या फिर ये स्टॉक अभी ट्रेंड में रह सकते हैं? देखिए दीपाली, पहले मैं आइडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। एक नीचे से अच्छा सा रिकवरी देखा गया है, 98 के आसपास लो बनाया था 16 मार्च को, और उसके बाद से ये स्टॉक आके 130 के आसपास बैठ गया है। अब रिजल्ट्स के सामने ये स्टॉक एक ऐसा क्रिटिकल लेवल पर आके बैठ गया है, यहाँ पे आके फ्रेश लॉन्ग सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। 128 के आसपास ये बंद हुआ है कल, और इसका जो मेजर सप्लाई एरिया है वो 130 से 138 का होगा। 130 के आसपास इसका 200 डेमा होगा। ये स्टॉक अभी भी इस मार्केट में 200 डेमा से नीचे मेंटेन कर रहा है, मतलब इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है ये पॉजिटिव नहीं है, ये अप ट्रेंड में नहीं है। बट शॉर्ट टर्म का ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टॉक 98 का लो बना के उसके बाद 130 का हाई बना चुका है, और बीच में अच्छा मतलब चार्ट का जो वीकनेस था सेंटिमेंट कुछ हद तक करेक्ट हो चुका है। पर जहाँ पे ये स्टॉक आ चुका है 130 से 138, इस रेंज के बीच में मैं सप्लाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स अगर फ्लैटिश भी हुआ है या अच्छा भी हुआ है तो भी मुझे लगता है कि इस रेंज पर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए, और ये वापस थोड़ा बहुत 115 और 138 के बीच में रेंज बाउंड हो सकते हैं फॉर द टाइमिंग। और जब तक इसमें कोई भी एक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक ये स्टॉक रेंज से बाहर नहीं निकलेगी, और ये स्टॉक रेंज बाउंड होता रहेगा। मतलब ऊपर में 130-135 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाइए, नीचे 120-115 के आसपास आने के बाद वापस खरीदारी करने का मौका ढूंढिए। आइडिया में मेरा व्यू रेंज बाउंड है, इसमें मुझे कोई बाई कॉल नहीं देना है। रहा सवाल भारती के, तो मैं ये कहूँगी कि भारती हो सकता है कि कल ऊपर के स्तर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखा था, पर नीचे जहाँ पे आके बैठ गया है ये इसका सपोर्ट जोन है। ये स्टॉक करीब लो बनाया था 290-282 के आसपास, और उसके बाद से ये चालू होगा हो गया रैली, और करीब 100 पॉइंट का रैली ऑलमोस्ट दिखा चुका है। अब थोड़ा बहुत हल्का करेक्शन इसमें आ भी जाता है तो भी ये स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि ये सारे
जी सुमीर, चलिए अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और कुछ और सेक्टर से बात करते हैं। हमने कल अभी आए नंबर से बात कर ली और कुछ आने वाले नंबर्स पे बात करेंगे, लेकिन कल बैंक अगर आप देखें, कल देखिए बाजार टूटा लेकिन निफ्टी बैंक नहीं टूटा। प्रदीप, निफ्टी बैंक पर आपकी राय क्या है? एक एक्सिस बैंक, ये अपने नंबर्स के साथ दोनों बैंकिंग स्टॉक्स को, दिग्गजों को, SBI को फंसा गया, ICICI बैंक को फंसा गया और खुद अगर आप देखें कल ऊपर निकल गया। बैंकिंग स्टॉक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप आज? ये सवाल मेरे से है वीरेंद्र? जी जी जी, आपसे ही है। देखिए, बैंकिंग अगर आप बात करेंगे वीरेंद्र, तो तीन जो मेजर बैंकों के रिजल्ट आए हैं उसमें अगर आप देखोगे, यस बैंक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट थोड़ा सा कंसर्न आया था, बाजार उस पर रिएक्शन दिया, 20 रुपये के करेक्शन करने के बाद स्टॉक वहां से 70 रुपया ऊपर गया और ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इन तीनों बैंकों में अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो ये अभी बहुत पीछे है। इसका अभी भी पिछले क्वार्टर का जो कंसर्न था वो पूरा मिटा नहीं है, लेकिन स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं हुआ है। मेरे को लगता है कि अब इस स्टॉक में 440-445 ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर इस स्टॉक को 490 के ऊपर पार करना पड़ेगा, तब आप इस स्टॉक में बात कर सकते हैं कि 490 के ऊपर एक फ्रेश जर्नी शुरू होगी। अगर आज आप मेरे को इन तीन बैंकों में अगर बात करने के लिए बोलो, तो मेरी फर्स्ट पिक होगी यस बैंक, सेकंड पिक होगी इंडसइंड बैंक, थर्ड रहेगा यस बैंक। और जहां तक अब सवाल है आज ICICI बैंक का, तो मैं जैसा उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ भी जाता है तो भी आप ये मत समझो कि ये बैंक यहाँ से बहुत ज्यादा तुरंत में चल जाएगा, क्योंकि 180 से 250 तक की जर्नी इसने एक क्वार्टर में पूरी करी है। तो मेरे को लगता है पॉजिटिव सरप्राइज आएगी तो बहुत नीचे नहीं जाएगा, और नेगेटिव सरप्राइज आने के बाद स्टॉक में हो सकता है थोड़ी पिटाई इसकी ज्यादा हो जाए। चलिए, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स को देख लेते हैं। पहले आपको आईपीओ अपडेट बता देते हैं। थायरो केयर का आईपीओ है आज बंद होगा, अब तक 2.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, प्राइस बैंड 420 से 446 रुपए के बीच है। उज्जीवन फाइनेंशियल का आईपीओ अब तक कुल 21% सब्सक्राइब हुआ है, 2 मई को आईपीओ बंद होगा यानी मंडे को, प्राइस बैंड 207 से 210 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। रिलायंस पार पर खबर रखकर नजर रखें, खबर अच्छी नहीं है। फॉरेक्स फ्लक्चुएशन के चलते टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी कंपनी ने, जिसे CERC ने ठुकरा दिया है, तो प्रेशर शायद रहे रिलायंस पार के शेयर में आज के सत्र। जुबिलेंट फूड वर्क्स, कल एक ब्लॉक डील हुई थी और कल हमने देखा भी था कि स्टॉक काफी कमजोर हुआ भी था, 10% के आसपास की वीकनेस के साथ क्लोज हुआ। प्रमोटर जुबिलेंट कंज्यूमर ने 3.5% हिस्सेदारी बेची है 1279 के प्राइस पर, और क्रेडिट स्विस ने हिस्सेदारी खरीदी है। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद भी, उनसे कॉमेंट भी ले लेते हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। जुबिलेंट फूड्स पर आपकी राय क्या रहेगी? कल 10-11% का फॉल हमने इस शेयर में देखा, और अगर आप बीते क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखें या फिर जो आउटलुक है वो बहुत ब्राइट नहीं है। डंकिन डोनट्स की जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार डिप हो रही हैं, वेंडीज जैसे कई सारे नए प्लेयर्स आ गए हैं जो कि मार्केट को तेजी से ग्रैब कर रहे हैं, तो आउटलुक अभी रहेगा क्या जुबिलेंट फूड्स पे? कल के प्रिसाइसली 10-11% के फॉल के बाद एग्जैक्टली अप्रोच इन्वेस्टर्स की होनी क्या चाहिए जो खरीदना चाहते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखो, जुबिलेंट जहाँ तक देखें न्यू एज स्टॉक हैगा, ई कॉमर्स स्टॉक हैगा, और इसमें काफ़ी सीरियस वॉलीटिलिटी भी देखी गई। अगर हम पिछले 6 महीने में देखें, काफ़ी सीरियस डिप, काफ़ी सीरियस अप्रिसिएशन देखी गई है, और ये जो वन ऑफ इवेंट हुआ है जहाँ 3.5% से ऊपर मैनेजमेंट ने अपना ऑफलोड किया, आई थिंक दिस वॉज इन रन अप टू दैट ये स्टॉक में परफॉर्मेंस देखी गई थी, और ये जो 10% का फॉल देखा गया है, दिस इज़ समथिंग टू डू विद दैट पोस्ट सेल। और मेरे को लगता है कि बहुत सीरियस डिप शायद नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि FIs का नज़रिया इस स्टॉक के तरफ या इस स्पेस के तरफ अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, पिछले 2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस सब्ड्यूड रही है, जो उनके पुराने स्टोर्स हैं वहाँ पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है थोड़ी सी सब्ड्यूड रही है, जो नए स्टोर्स खुलने में उसमें भी थोड़ी सी एक स्लोनेस आई है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक आई स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक, जबकि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, बट आई थिंक जिस तरह से एक पॉजिटिव रवैया है फंड्स का, FIs का, आई थिंक दिस स्टॉक वुड कीप फ्लोटिंग ऑन द हायर लेवल और हायर ट्रेजेक्टरी के साथ। सो मेरे को लगता है कि आज की मार्केट और देखनी चाहिए, अगर किसी वजह से बिकॉज ऑफ सब्ड्यूडनेस इन द मार्केट 3-5% फॉल और आता है, तो आई थिंक ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस विद द स्टॉप लॉस आई वुड बी अ बायर इन द स्टॉक, और जिन लोगों ने ये स्टॉक ले रखा है आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू स्टे विद द स्टॉक, दो इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, बट मेरे को लगता है परफॉर्मेंस देता रहेगा ये। इस बीच एक आप थोड़ा सा आज
शिप बिल्डिंग कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। खबर एबीजी शिपयार्ड और आई थिंक बहुत सारी शिपिंग कंपनियों के संदर्भ में भी है, मार्केट के संदर्भ में। शिप बिल्डिंग सेक्टर को सब्सिडी स्कीम देगी सरकार और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लगभग 20% हिस्से तक की राहत संभव है। 10 साल तक के लिए ये जो 20% की राहत है वो सरकार देने की योजना बना रही है। तो आज एक शिपिंग सेक्टर पर नजर रखिएगा। बाकी वेदांता के नंबर्स देखिए, हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद एनआईटी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर अगर आप देखें इन्होंने एग्जैक्टली जीवी एस्टेब्लिश किया है डिजिटल सर्विसेज को देने के लिए। इन्होंने अगर आप देखें तो यहाँ पर एक करार किया है। और एक इनफैक्ट एनएचपीसी रिटेल हिस्सा कुल 58% सब्सक्राइब हुआ, जो एफएस का जो दूसरा भाग था रिटेल निवेशकों के लिए वहाँ पर लगभग 58% सब्सक्रिप्शन इन्हें मिला है। और अब तक ओएफएस कुल जो था वो करीब 1.66 टाइम अगर आप देखें वो सब्सक्राइब हो चुका था। खैर अब ये न्यूज़ फ्लो वाले स्टॉक्स हमने देखे, अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं और आज की ट्रेडिंग, आज के इन्वेस्टमेंट, आज के अगर आप देखें कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि टेक्निकली भी साउंड है, फंडामेंटली भी साउंड है, स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है वो स्टॉक, आइए समझते हैं संदीप के साथ। संदीप बताइए। शुक्रिया वीरेन, आज के लिए जो शेयर चुना गया वो है आशर एग्रो का। जैसे नाम सजेस्ट करता है एग्री कारोबार की ये कंपनी है और सिंगल लोकेशन पर सबसे बड़ी राइस मिल इस कंपनी के पास मौजूद है और बासमती चावल के उत्पादन से उत्पादन के कारोबार से ये कंपनी जुड़ी हुई है। और तेलंगाना से संदर्भ से जिस तरह से खबरें आई हैं वो फंडामेंटल के लिहाज से काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। लगातार दूसरे साल ऐसा हो रहा है कि तेलंगाना में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल रही है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से बारिश कम हुई है, सूखा की स्थिति है, उस वजह से करीब 50% के आसपास की जो गिरावट है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो चावल का उत्पादन है उसमें भी करीब 35% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से उत्पादन घटने की बात है तो उस वजह से कीमतों में एक इजाफा देखने को मिल सकता है। और बीते दो महीने में अगर आप देखें तेलंगाना में करीब 100 ऐसी राइस मिल्स है जो कि बंद हो चुकी है, तो उसका इंपैक्ट है ना कहीं सप्लाईज पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं। और अशर एग्रो जैसी जो राइस उत्पादन वाली कंपनीज हैं उनकी इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस लिहाज से देखा जाए इन्वेंट्री गेंस बड़े होंगे, जिस वजह से एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस बार जो नंबर्स हैं Q4 के वो काफ़ी शानदार देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, अपने हाई से शेयर करीब 33% के आसपास के डिस्काउंट पे है। सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, करीब 6.86 रुपए के आसपास का ईपीएस है, तो उस लिहाज से महज 5 के पी मल्टीपल पर फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए फंडामेंटली नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। और अगर आप टेक्निकल बेसिस पे भी देखें तो बीते 5 दिनों से लगातार इस काउंटर में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन देखने को मिला है, 100 डेमा के ऊपर एक काउंटर बने रहने में कामयाब है। कल की गिरावट में भी अगर आप देखिए वॉल्यूम में कोई ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला था, इनफैक्ट कल अगर आप देखिए करीब 61% के आसपास की डिलीवरी इस काउंटर में मार्क हुई है। तो उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे आज एक बड़ा रन अप इस न्यूज डेवलपमेंट्स और फंडामेंटल बेसिस पे देखने को मिल सकता है। 37.20 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं आज के लिए, 33.20 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। शुक्रिया आपका संदीप। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे है अशर एग्रो, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 37.20 रुपए का आप लक्ष्य रखें, 33.20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोई भी पोजीशन आप बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और क्यों खरीदना चाहिए, क्यों पोजीशंस बनानी चाहिए इसके बारे में बताया संदीप ने आपको। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे रहेगा अशर एग्रो। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं, स्पेशली कुछ ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद है, कुछ छोटी कंपनियां। ग्रैन्यूल्स इंडिया उनमें से एक रहेगा, जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 48% बढ़े हैं, 22 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ रहे हैं। टोटल इनकम 5.25% बढ़ी है और एबिट्टा मार्जिन फ्रंट पर काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है। एबिट्टा मार्जिन 13.9% से बढ़कर 21.2% पर रहे हैं और एबिट्टा 61% बढ़े हैं। एक और स्ट्रांग अर्निंग रही है कैनफिन होम्स की, जो टोटल मुनाफा है वो 23 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ रहा है और टोटल इनकम भी 227 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़ रही है। तो ये दो स्ट्रांग अर्निंग्स और रहे हैं। सिमी आपके कॉमेंट्स क्या रहेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया पर एक तो, और दूसरा कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स की अगर प्रिसाइसली बात करें तो 850 के स्तर से 1300 तक की चाल इसने लगातार चली, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी लेकिन अच्छे अर्निंग्स आए हैं, तो क्या वापस पुलबैक ले सकता है ये स्टॉक? बिल्कुल पुलबैक ले सकता है ये स्टॉक, जो है एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है पर एक मेजर सपोर्ट के आसपास आके बैठ गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से इसको वापस रिकवरी दिखाना है, 50 डेमा करीब 1107 के आसपास है और मुझे लग रहा था कि शायद ये स्टॉक अगर करेक्शन दे ही रहा है तो 1100 के आसपास इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो उस लेवल को मैं फॉलो कर रही हूँ। 1100 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें वापस लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है क्योंकि इसका जो मेजर ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही मतलब इंटैक्ट है, एकदम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। मुझे लगता है कि इसमें वापस तेजी देखने को मिल सकता है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद। दूसरा स्टॉक जो है ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये भी अच्छा फॉर्मेशन के साथ ही बना है। मुझे लगता है कि 120-125 का रेंज काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है और ये सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो ये स्टॉक वापस 155-165 के जोन में चला जा सकता है, पर 120 के ऊपर स्टॉप लॉस मतलब इस 120 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी होगा। 155-165 का टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, चलिए कल की अगर आप देखें कुछ और सुपरस्टार्स की बात करते हैं, गिरते बाजार में भी अपने आप को काफ़ी हद तक
अच्छे लेवल्स पे कायम रखा। पहले एक स्टॉक देखिए आप, अनंत राज, ये स्टॉक चला चल के अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बेहद पास बंद हुआ, 37 पर करीब 125 रुपये ऊपर बंद हुआ था काउंटर। उसके बाद देखिए एक और काउंटर जिसमें अच्छी तेजी थी, लेकिन ब्लिस जीवीएस फार्मा चला, लेकिन इसके चार्ट में इतना दमखम नहीं है कि मैं बात करूं प्रदीप से पूछूं कि भाई आज कहाँ खरीदना चाहिए कहाँ बेचना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। कल सीएट का चलना इस माहौल में थोड़ा सा चौंका रहा था, करीब 1173 पर करीब 4% बढ़कर सीवाई 16 के नए हाईस पे काउंटर बंद हुआ सीएट अनंत राज। उसके बाद आप एक और काउंटर देखिए जिसने कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, वो था डीएलएफ। कल पूरे इनफैक्ट सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा मूव था डीएलएफ, और इनफैक्ट पूरा सेक्टर कल काफ़ी मूव दे रहा था। एक समय आ रहा कि 125 का हाई लगाया इसने, लेकिन बाद में थोड़ा सा वहां से करवट लेकर नीचे भी आया स्टॉक का। और एक और स्टॉक जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा वो है इंडिया बिल्स रियल, ये एक और स्टॉक जिसमें काफ़ी अच्छी खासी तेजी थी। प्रदीप जी मैंने चार स्टॉक्स रखे आपके सामने, अलग अलग खेमे से थे, अनंत राज हो गया, आईबी रियल हो गया, डीएलएफ हो गया, ये दोनों एक से संबंधित थे, और साथ ही साथ सीएट। इनमें से सबसे अच्छा चार्ट कैपिटलाइज करने के लिए, खरीदारी करने के लिए कौन सा लग रहा है आपको? देखिए वीरेंद्र, आप रियल एस्टेट के सेक्टर की बात कर रहे हो तो कल एक बहुत बड़ी न्यूज इस सेक्टर के अंदर आई थी, बॉम्बे में जो आईएफएस बढ़ाया जा रहा है, सही, ये उसी का एक रिएक्शन था कि कल सारे स्टॉक बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गए। लेकिन अभी भी इस न्यूज के ऊपर में हम अगर ये बात करें कि बहुत ज्यादा इस स्टॉक में रन अप आ जाएगा तो वो उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो रियल एस्टेट स्पेस में बहुत बड़ी दिक्कतें, और अभी जिस तरीके का एक ये नई रेंज आपके नोएडा और दिल्ली से आ रही है 7000 करोड़ रुपया, 9000 एक तरफ मालिया के पास है और 7000 इन लोगों के पास है, और लोग दर दर भटक रहे हैं। तो इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के वातावरण में अगर आप रियल एस्टेट में, और इसमें कोई एक कंपनी ऐसी नहीं बची हुई है जो इस घोटाले के अंदर नहीं है, और कल तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद यूनिटेक के मालिकों को 3-3 साल की सजा भी कोई कंज्यूमर, तो इस स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश अभी नहीं होना चाहिए। रहा सवाल सीएट का, जरूर एक अच्छे रिजल्ट के बाद कल शॉर्ट कवरिंग से बहुत अच्छा ऊपर आया है, और अभी भी लगता है इसमें अपसाइड और देखने के लिए मिल सकती है। चलिए सीएट में अपसाइड और है, लेकिन अपसाइड बाजार का क्या खो जाएगा? मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बात अगर आप देखें इस बात की क्यों छेड़ रहा हूँ कि बाजार गिर सकता है, क्यों लोग मई की पहली तारीख को ही बाजार में बिकवाली करके, शॉर्ट्स ओपन करके या फिर अपने पोर्टफोलियो के शेयर बेचकर बाहर चले जाते हैं कुछ देर के लिए? कहते हैं मई और मंदी का बहुत बड़ा सरकार है, आखिरकार क्यों है ये? थोड़ा आंकड़ों के लिहाज से बात कर लेते हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त बात करने के लिए सुमित हैं। सुमित बताइए, हिस्टोरिकली इतिहास के पन्नों में मई में बाजार ने क्या क्या किया है, और क्या इस बार वो हो इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? शुक्रिया वीरेंद्र, ये फ्रेज़ काफ़ी समय से है, सेल इन मे एंड गो अवे वाला जो फ्रेज़ है, ये हो सकता है इस महीने भी देखने को मिले, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देखें तो 5 बार निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये इतना सब्सटेंशियल नहीं है, 5 बार तेज़ी भी रही है, लेकिन हाँ FIs का आंकड़ा अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में 7 साल ऐसे रहे हैं जबकि FIs 7 बार ऐसी रही है जबकि FIs की तरफ से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। पिछले 10 साल में सबसे बड़ी बिकवाली जो थी वो 2006 में, ठीक 10 साल पहले आई थी, करीब करीब 14% निफ्टी टूटा था उस साल, लेकिन 2009 तक आते आते ये निफ्टी का जो बाउंस बैक वो बहुत स्ट्रांग था, करीब 25% के आसपास की तेजी भी मई के दौरान ही देखने को मिली थी। लेकिन अगर FIs के आंकड़ों की बात करें तो FIs का मोर और लेस ज्यादातर जो आंकड़ा है वो 12,000, 11,000 या फिर 10,000 करोड़ रुपए तक की बिकवाली का ही आंकड़ा देखने को मिला है, हालांकि खरीदारी का आंकड़ा उतना सब्सटेंशियल नहीं है जितना बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला है। तो ज़्यादातर बिकवाली ही आई है जिन जगहों पर या फिर जिस महीने में खरीदारी भी देखने को मिली है करीब 1.5 से 2% के आसपास की, वहाँ पर भी FIs की बिकवाली रही है, DIs ने ही काफ़ी तक बाजार को सहारा दिया है। लेकिन पिछले अगर 3 साल के आंकड़े उठा के देखें, यानी कि 2013 से लेकर 2016 के दौरान, इस दौरान ज़रूर मई में खरीदारी आई, और लगातार 2014 में भी, 2015 में भी, और इस साल 2016 कैसा रहता है इस पर देखना होगा, पिछले 3 साल के आंकड़ों में जरूर मई के अंदर एक अच्छा आंकड़ा आता दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल पिछले 10 साल के आंकड़ों में FIs बिकवाली करते रहे मई में ज्यादातर, और 5 सालों में करीब मई के अंदर गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये अगर आप देखें ये एग्जैक्टली इतिहास के पन्नों में मई बहुत अच्छा नहीं है। और एक और चीज सुमित ने कही, अगर कोई बचा सकता है तो वो है इंस्टीट्यूशनल मई। FIs थैंक गॉड अब तक बाहर रहे हैं, और फरवरी का आखिरी सेशन, मार्च अप्रैल वो बाहर रहे हैं। पंकज आपकी राय क्या है, क्या इस मई से डरना चाहिए? क्या मैं एक बार के लिए हल्का होकर बैठूं, अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को ऑलमोस्ट 70-60% निकाल दूं क्या? क्या मई से डरना चाहिए, और अगर मई से बचना है या फिर मई को कोई बचाएगा
तो DIs जिनके नंबर्स अब तक उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं वो इस मई में बायर हो सकते हैं पंकज? देखो वीरेंद्र, स्टॉक मार्केट में हर महीने से डरना चाहिए और हर महीने में एक ऑप्टिमिज्म रहनी चाहिए। आई थिंक दैट इज द वे ट्रेडर्स कैन प्ले इन द मार्केट। और सुमित ने जो डाटा दिया डेफिनेटली इट्स एब्सोल्युटली राइट, बट सुमित ने या कहीं और मैंने ये एक लॉजिकल कारण नहीं आया क्यों मई में ये मंदी रहती है, अगर मंदी रहती है तो। जहाँ तक आपका सवाल है, क्या हम सब्सटैंशियल जो अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है उसको शेड करके साइड में बैठ जाएं? सम ऑफ आई डोंट ऑगर टू दैट थ्योरी। मेरे को लगता है कि जिस तरह से मार्केट में सेटअप हैगा, जापान की कारण आई थिंक काफ़ी समय के बाद ऐसा हमने देखा, चाइना के कारण हम देखते थे मार्केट में अपीवल आते थे, US तो एक है ही बड़ा फैक्टर, यूरोप के कारण देखते थे, बट जापान मार्केट के कारण इतना बड़ा अपीवल काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला। सो दैट मीन्स वील हैव टू लुक इन फॉर वन मोर सॉर्ट ऑफ फैक्टर जापानीज मार्केट के लिए भी आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि 7750 शुड होल्ड ऑन, और जिस तरह से अभी तक अगर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें रिजल्ट्स आए हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव काइंड ऑफ रिजल्ट्स, जबकि अभी जो एक दबाव वाले सेक्टर्स हैं या कंपनीज हैंगी समथिंग टू डू विद स्टील, इंफ्रा, PSU बैंकिंग, उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैंगे एंड मार्केट को उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपेक्षा है भी नहीं। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि मार्केट में अभी भी जो एक बुलिश फेज चल रहा था वो एक बरकरार रहेगा। एक स्मॉलिश बिश ऑफ करेक्शन मार्केट में देखने को मिली है एंड 77 50 शुड होल्ड ऑन इन द मार्केट। सो आई वुड स्टिल बी सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बाय इनटू द मार्केट्स इफ आई हैव नॉट ऑलरेडी बॉट, रादर देन ट्राइंग टू शेड माय पोजीशंस। आज आने वाले नतीजों की अब बात कर लेते हैं। इंडिगो पर आज आप नजर रखकर चलें। हालांकि हमने देखा था कि प्रीवियस क्वार्टर की जब अर्निंग्स आई थी, साथ ही साथ उन अर्निंग्स के साथ जो खबर आई एयरबस A360 न्यू की डिलेड डिलीवरी की, उसके बाद स्टॉक का मूड काफी खराब हुआ और स्टॉक अपने इशू प्राइस के नीचे तक स्लिप कर गया था 3765 के, लेकिन वापस एक अच्छी रिकवरी दिखाई अपने 52 वीक लो से और बीते 4-5 सेशन से प्रिसाइसली स्टॉक काफी कंसिस्टेंट मूव कर रहा है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्शंस के। अनुमान यही है कि जो इस क्वार्टर में जो YOY कैपेसिटी है वहां पर एक्सपेंशन दिख सकता है 19% का। एबिटा मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग रहने का अनुमान है, 35-37% के आसपास की ग्रोथ दिख सकती है। हालांकि जो रेवेन्यूज है वहां पर 6-8% का उछाल है और हमने देखा भी है कि जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों मंथ्स के जो लोड फैक्टर के फिगर्स आए हैं एविएशन स्पेस में वो काफी एनकरेजिंग रहे हैं। लेकिन पंकज, अपने 52 वीक लो से आफ्टर वीक क्वार्टर 3 अर्निंग्स स्टॉक ने काफी स्ट्रांगली बाउंस बैक किया है, बीते 4-5 सेशन से कंसिस्टेंट मूव भी कर रहा है। आज के अर्निंग्स को लेकर होप क्या है और स्ट्रैटेजी भी क्या होनी चाहिए, अभी निवेशित रहना चाहिए इंडिगो में क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशंस हैं जो 1400-1500 तक के टारगेट्स की बात कर रही है शेयर पर? एब्सोल्युटली दीपाली, आई थिंक बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंडिगो में बनी रहनी चाहिए एंड आफ्टर द काइंड ऑफ फियास्को इंडिगो डिड इन लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, जब काफ़ी कंसर्न्स थे कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर, रादर डिस्क्लोजर्स को लेकर काफ़ी एनालिस्ट ने कंसर्न्स किए थे और उसका वही एक बड़ी वजह थी कि स्टॉक ने हमने देखा था काफ़ी सीरियस डिप दिखाया था। बट अगर पिछले क्वार्टर की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, जिस तरह की ट्रैफिक में ग्रोथ पिछले क्वार्टर में एविएशन सेक्टर में देखने को मिली अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो जेट हो, स्पाइस जेट हो, चाहे वो इंडिगो, आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो पिछले क्वार्टर में काफ़ी नीचे के स्तर पर रहा है, तो उस दोनों तीनों चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट मिलना चाहिए। मार्जिन्स हैव बीन प्रीटी गुड और पिछले दिनों इंडिगो ने ऐलान भी किया था जो नए एयरबस को लेकर, जो डिलीवरी को लेकर, शेड्यूल को लेकर कुछ चिंताएं थी उनमें उन्होंने ऐलान किया था, तो दैट वॉज टेकन प्रीटी पॉजिटिवली बाय द मार्केट। पिछले एक महीने में, एक डेढ़ महीने में इंडिगो के शेयर ने काफ़ी रैली भी की है, काफ़ी राइज भी किया है, बट मेरे को लगता है कि अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने चाहिए और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस अगर हम आज की बात करें, मेरे को लगता है कि एक बाइंग स्ट्रैटेजी के साथ इंडिगो के रिजल्ट्स में जाना चाहिए और जब भी इसमें डिप आए, इसमें 3-9 महीने का अगर आप नज़रिया लेके चलेंगे, आई थिंक एविएशन स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेल इंक्लूडिंग इंडिगो। चलिए आज के ऑप्शन स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, यानी वो दो स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप बेट कर सकते हैं, बताइए वीरेंद्र। जी चलिए देखिए, आज दो ऑप्शन स्ट्रेटजी आई हैं और मई के पहले दिन आप इन दो स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं। पहला है निर्मल बैंक की राह है ONGC को लेकर। ONGC का देखें इस दौर का सबसे बेहतरीन स्टॉक, क्यों? 200 रुपये से चलता 221, हालांकि कल थोड़ा सा बैकफुट पे आया 5 रुपये नीचे। यहाँ पर ONGC में 220 की एट द मनी कॉल खरीदनी है, स्लाइटली आउट ऑफ मनी है वो इस वक्त और करीब 6.5 रुपये के आसपास रखें अपना बैंक प्राइस और लगभग 12 रुपये के आसपास निकल जाइए। यानी अगर मैं प्राइस बिहेवियर के बारे में समझूँ तो जो इस स्ट्रेटेजी के रणनीतिकार हैं जिन्होंने बनाई ये स्ट्रेटेजी, वो मान रहे हैं कि 228-230 के आसपास ये स्टॉक जाएगा, तो करीब करीब
12 रुपए के लक्ष्य के लिए 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 6.5 रुपए के आसपास इस ऑप्शन को आप खरीद सकते हैं। टाइम वैल्यू अगर आप देखें बहुत सारी आपके पास, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर ये स्टॉक ऊपर निकल गया 230 के ऊपर तो इस ट्रेड से निकलने की जल्दबाजी मत करिएगा। दूसरा स्टॉक है हेक्सवे विद द मिड कैप आईटी बास्केट। कल का अगर आप देखें जो प्राइस बिहेवियर है बहुत स्ट्रांग था, 272 तक भी गया। आई मीन ये 6 मंथ चार्ट से आपकी स्क्रीन पे थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर संभलने की कोशिश कर रहा है। 250 की कॉल यानी ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल लेंगे इसकी हम 10 रुपए के आसपास, और लक्ष्य करीब 18 रुपए का। दैट मीन्स इसके स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो मान रहे हैं कि आपको यहाँ पर 265 से लेकर 262 रुपए का प्राइस जो है वो मिल जाएगा। 18 रुपए का लक्ष्य और स्टॉप लॉस करीब 6 रुपए का रखें। तो ये है आज की दो ऑप्शन स्ट्रेटेजी, लॉन्ग ONGC और लॉन्ग हेक्सावेयर। बिल्कुल, तो हेक्सावेयर ONGC ये दो ऑप्शन ट्रेड्स आज आप इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। सिमी संक्षेप में दो स्टॉक्स आपके कौन से रहेंगे आज इंट्राडे के लिए? देखिए मैं तो एक तो सीमेंट ACC का रिजल्ट्स के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें एक मोमेंटम रहना चाहिए। कल भी मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी देखा गया था, तो आज भी अगर मार्केट थोड़ा सा सहारा देता है तो ACC में मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, जिसका टारगेट 1455 से 60 का हो सकता है। 1420 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक मेरा होगा एक्सिस बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद एक 464-465 का रेंज को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। कल भी उस रेंज को सपोर्ट लिया था और वापस जाके 468-69 के आसपास बंद किया था, तो 460 के नीचे स्टॉप लगा के मैं कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। अगर 460 के आसपास खुल जाता है तो 2 रुपया और नीचे लगाइए स्टॉप लॉस, और एक पुल बैक रैली के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 477-484 का टारगेट दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक में मेरा राय अच्छा है।